सब्सक्राइब कीजिए श्यामा टिप्स चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आप लोगों को मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि पुरुषों की प्रजनन क्षमता शुक्राणु की क्वालिटी पर निर्भर करती है। स्पर्म के एक सैंपल में शुक्राणु की संख्या को ही स्पर्म काउंट कहा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के 1 मिलीलीटर स्पर्म में 1.5 करोड़ से 20 करोड़ शुक्राणु होते हैं। पिछले कुछ समय में पुरुषों की स्पर्म क्वालिटी में काफी गिरावट आई है। इसका कारण फ्रेंड्स, लोगों की जीवन शैली और खान पान में गड़बड़ी है। कुछ ऐसे आहार हैं जो पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताऊंगी कि किन आहारों का आप लोगों को सेवन करना है जिससे कि आपकी प्रजनन क्षमता बढ़ सके, आपका स्पर्म बढ़ सके। फ्रेंड्स, आज की मेरी ये वीडियो खासकर पुरुषों के लिए है जिनको स्पर्म की प्रॉब्लम है, जिनका स्पर्म क्वालिटी में काफी गिरावट आई है, उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को सौंफ करना होगा। सौंफ को आयुर्वेद में पुरुषों के लिए बहुत फायदेमंद बताया गया है। सौंफ के अर्क को पुराने समय से स्पर्म की क्वालिटी और संख्या बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। अपने आहार में आप लोगों को सौंफ शामिल करना है। खाने के बाद आप लोगों को एक चम्मच सौंफ खाना है। आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसके खाने से आपका खाना अच्छी तरह पचता है और स्पर्म भी आपका बढ़ता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप रोजाना रात में सोते समय एक चम्मच सौंफ खाकर सोएं। सौंफ मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाता है। तो पहली चीज फ्रेंड्स, आप लोगों को अपने आहार में सौंफ लेना है। दूसरी चीज जो फ्रेंड्स आप लोगों को लेनी है वो है गाजर। पुरुषों की प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में गाजर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि फ्रेंड्स, गाजर में पाए जाने वाला तत्व पुरुषों की प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। गाजर में कैरोटीन नामक रसायन पाया जाता है जो शुक्राणु की संख्या को न सिर्फ बढ़ाता है बल्कि उनकी गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, आप लोग गाजर का जरूर सेवन करें। यह आपके जो स्पर्म काउंट काफी कम है उसे बढ़ाएगा, आपको स्वस्थ रखेगा और आपकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो आप लोग गाजर का भी सेवन जरूर करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप लोगों को अश्वगंधा की जड़ का भी सेवन करना है। अश्वगंधा को सेक्सुअल कमजोरी के लिए रामबाण माना जाता है। अश्वगंधा की जड़ों को पीस कर आप इसका पाउडर बना सकते हैं या बाजार में मिलने वाले अश्वगंधा पाउडर को भी आप लोग खरीद सकते हैं। अगर आप लोगों को अश्वगंधा की जड़ें नहीं मिलती हैं, तो आप लोग बाजार से अश्वगंधा पाउडर खरीद सकते हैं और उसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, अश्वगंधा के सेवन से न सिर्फ स्पर्म की संख्या बढ़ती है बल्कि ये उसकी क्वालिटी को भी बढ़ाता है। फ्रेंड्स, पुरुष ही नहीं महिलाओं में भी इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए अश्वगंधा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, अश्वगंधा की जड़ या अश्वगंधा का पाउडर महिलाएं और पुरुष दोनों ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप लोगों को अलसी और मछली लेना होगा। सेलमन मछली और अलसी के बीजों में पाए जाने वाला ओमेगा 3 प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में मददगार होते हैं। मछली के तेल में सबसे ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, इसीलिए आप इसको भी अपने आहार में जरूर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, शाकाहारी आहारों में ये पोषक तत्व नहीं मिलता है। अगर आप मछली नहीं खा सकते हैं तो आप लोग मछली के तेल के सप्लीमेंट्स का सेवन जरूर करें, इससे भी आपके स्पर्म की संख्या बढ़ती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाले आहार में एंटीऑक्सीडेंट शामिल हैं। एंटीऑक्सीडेंट जैसे ग्लूटाथियन और क्रिप्टोसैंथिन प्रजनन की ताकत को बढ़ाते हैं। ऐसे आहार जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो उनका आप लोगों को सेवन जरूर करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा हरी सब्जियां, टमाटर, हरी मिर्च, रंगीन सब्जियां जैसे गाजर, चुकंदर, मशरूम, संतरे आदि
में मिलते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स आप लोग इन आहार का सेवन अधिक मात्रा में कीजिए, इससे भी आप लोगों को फायदा होगा। फ्रेंड्स विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन डी का सेवन करने से हड्डियां तो मजबूत होती हैं, साथ ही फ्रेंड्स ये विटामिन डी पुरुषों में शुक्राणु की संख्या को भी बढ़ाता है। विटामिन डी सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के स्तर को बढ़ाता है, जिससे गर्भाधारण की संभावनाएं बढ़ती है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य की रोशनी है, इसीलिए फ्रेंड्स रोज थोड़ा समय धूप में जरूर गुजारें। इसके अलावा फ्रेंड्स विटामिन डी के प्रमुख स्रोत अंडा, डेयरी उत्पाद, चिकन, मछलियां हैं, आप लोग इनका भी सेवन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ ऐसे आहार जिन्हें आप लोगों को लेना है, जिससे कि आप लोगों की जो शुक्राणु की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है वो बढ़े, आपकी प्रजनन क्षमता अच्छी रहे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, अगर आपका स्पर्म क्वालिटी भी काफी ज्यादा घट रही है, तो आप लोग इन आहारों का जरूर सेवन करें, जिससे आपकी स्पर्म की क्वालिटी बढ़ सके। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।